eu. चलो ये लाइट ऑफ कर दो। साइलेंस, नो मर्मरिंग। क्लब 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 तू तू यही रह रहा बैठा रे। ए बाबू हट जा, बैठ के नहीं हो वहां, क्या कर रहा है? ओ डंडा हटाओ, ये डंडा हटाओ, डंडा वो क्या पड़ा हुआ है उधर? वो हटेगा नहीं, हटा दो सब, कोई क्रॉस नहीं। चलो भाई आप बाहर पासिंग बंद रखना, क्योंकि सूट में है जरा। शुभम बंगलो रोल, अच्छा जब तक वो बनाते रहिए। रोलिंग रोलिंग एक्शन। मैं हर्षित बोलूंगा, बोलिए हर्षित। यहाँ पर हर्षित कट 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 कट, ये कट मरवो कर। कहने का तो पूरा जाना है ना, तब जब लड़की जाने के बाद वहीं तक जाना है, अभी पूरा एंड तक जाओ। रेडी रोल हर्षित। काजल रोली रोली हेड तक ऐसा नहीं हुआ, फास्ट लाना। सर सर पर्ची दीजिए, बताइए कि क्या करना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, किस तरह का संगीत होगा, कितने गाने होंगे और गायक गायिका कौन है? जी मैं गीतकार संगीतकार इसमें सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। और ये फिल्म टाइटल है काजल और इसमें 8 गाने हैं। इसमें सारे सिंगर मार्केट के हैं, आलोक कुमार है, पामेला जैन जी हैं, उसके बाद प्रियंका सिंह है, मोहन राठौर है, और भी दो गाना भी डबिंग बाकी है, उसमें मार्केट के सिंगर है और बहुत अच्छे गाने बने हैं। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं आदिल अहमद जी, उन्होंने बहुत मैंने अच्छा मैंने छूट दिया कि अच्छा म्यूजिक बने, तो मैंने कोशिश किया है अच्छा काम करने की और अच्छा गाना बना है। तो सर ये जानना चाहूँगा कि 8 गाने हैं तो ज़्यादातर गाने का सिचुएशन क्या रहेगा, किस तरह का? ये देखिए फैमिली पिक्चर है और आपको जैसे मालूम है टाइटल है काजल, तो पूरी सिचुएशन सॉन्ग है, इसमें कोई भी एल्बम जैसे सॉन्ग नहीं है। पूरे फिल्म के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से गाने लिखे गए हैं और म्यूजिक उसी हिसाब से बनाया है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में काफ़ी दिन से संगीत दे रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है कि संगीत में गीत में लोग उसे अच्छी नज़र से देख रहे हैं, या मतलब एक जो है सोच वो बदली है? जी 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 मैं तो हमेशा देखिए आप लोग देखते हैं, जितने बार आप लोग मिलते हैं मैं ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे गाने बनाऊँ, और मेरे हर फिल्म के गाने थोड़ा डिफरेंट होते हैं, एल्बम जैसे गाना नहीं बनाता हूँ, पिक्चर के हिसाब से पिक्चर या स्टोरी के हिसाब से गाना बनाता हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हैं कई पिक्चर आपके सामने किया है, तो गाने में हमेशा अच्छा कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ और लोगों को अच्छा लगे। तो ये भी जानना चाहूँगा कि आगे क्या कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं? मतलब भोजपुरी संगीत का ही कुछ कर रहे हैं या हिंदी में भी? नहीं, हिंदी में भी कर रहा हूँ, हिंदी पिक्चर भी कर रहा हूँ, वो समय का तो बता दूंगा आप लोग को। ये अभी तक गाना चल रहा है, काम चल रहा है, गाने वर्क चल रहा है उस पर, कि जब तक पिक्चर नहीं आ जाती है तो इसलिए मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी भी कर रहा हूँ, अच्छी मूवी कर रहा हूँ। और आज के दौर में किस तरह का वातावरण है, मतलब कोई संगीतकार है या जो अपने काबिलियत को अपने कला को प्रदर्शित करना चाहता है, किस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए हर किसी का अलग सोच होती है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि अपना पहचान एक अलग बनाऊँ, हर कोई अपना पहचान बनाते हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी पहचान अलग बने इंडस्ट्री में, म्यूजिक के रूप में। और गाना लिखता था, अभी संगीत कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों को अच्छा लगे। और आगे के प्रोजेक्ट्स क्या जानना चाहूँगा? आगे प्रोजेक्ट कई प्रोजेक्ट है, अभी 5-7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो आएगा तो बताऊँगा, आप लोग आएंगे ही, मदद करूँगा अभी, तो सारे लोग आएंगे।
और इसका जो मैं खास करके हैं डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं बड़े हुसैन सर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया म्यूजिक करने के लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और प्रोड्यूसर आदिल अहमद जी हैं जो मुझे इस पिक्चर के लिए चुना, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वैसे पिक्चर जल्दी मिलते नहीं हैं कि बहुत सारे डिफरेंट पिक्चर बन ही रहे, आप लोग देख ही रहे हैं तो ढिकचिक सब आता है, लेकिन इसमें मैं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, मिलेगा हर तरह के गाने मिलेंगे आपको, अरेबियन सॉन्ग मिलेंगे, थोड़ा अलग कोशिश कर रहे हो, डिस्को भी है और मेलोडी भी है, और ऊपर से टाइटल काजल है, टाइटल सॉन्ग में आपको अच्छा मिलेगा सुनने को। मैं कोशिश किया अच्छा बनाने की, अपनी तारीफ क्या करूँ, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और पब्लिक सुनेंगे तो ही जवाब देंगे कि मैंने क्या मेहनत किया और क्या बनाया। थैंक यू। फिल्म का है जी, ये जो है आप लोग जानते हैं फिल्म का नाम है काजल, और सबसे खुशी की बात है कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है हीरोइन है हमारी, उसका ओरिजिनल नाम काजल ही है, तो मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खुशी का ये टाइटल बने और ये टाइटल बने और गाना भी अच्छा बन गया है, खास करके अगर किसी हीरोइन के नाम से ओरिजिनल नाम के हीरोइन के नाम से अगर किसी कोई फिल्म बनती है तो बहुत मायने रखता है, ये काजल जी के लिए अच्छा है, ये सरप्राइज है उनके लिए और अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उनको, उनको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ उस काजल पिक्चर के लिए, और उनकी मम्मी भी है मैं यादव जी, उनको भी बधाई देता हूँ, अच्छी फिल्म है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं बधाई देता हूँ तहे दिल से, खास करके मुझे इस पिक्चर के लिए चुना गया, उसके लिए धन्यवाद।
तरह अभी वो पति की देखने की जरूरत से काम करते हैं देश पाते और चले गए बने नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका प्यारा संजय हुसैन पटियाला। आपको जानकारी दे दूं कि हमारी फिल्म दबंग सरकार संपर्क बिहार एक साथ कई सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसके आपके चहेते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। फिल्म में अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी और खेसारी लाल यादव के आप लोग गाना देख चुके होंगे। साथ में हमारी दोस्ती सबसे ज़्यादा फेवरेट आप लोगों की अम्रपाल, साथ में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी, जिनके दो गाने इस फिल्म में होंगे और आप लोग उस गाने का ऑडियो पहले सुन चुके हैं। इसका वीडियो जल्दी रिलीज़ किया जाएगा यसी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से। फिल्म का निर्देशन योगेश मिश्रा जी ने किया है, जो कि बहुत ही अच्छे नवयुवक निर्देशक में गिनती आते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने निर्देशन किया है। फिल्म जब से बन रही है तब से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग फिल्म को काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं कब रिलीज होगी। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ऐसे हमारे दोस्तों का मैसेज आते रहता है कि आखिर दबंग सरकार रिलीज़ कब होगी। तो आप लोग बता दो कि ये फिल्म 30 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। आप लोग जाके अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल घर में देखिएगा। उसके बाद अन्य शहरों में भी फिल्में रिलीज होगी, जैसे कि मुंबई, यूपी, पंजाब, नेपाल और कोलकाता। लेकिन ये फिल्म के बारे में आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये फिल्म से बहुत ही खास तौर से मैं इससे जुड़ा हुआ था शुरू से ही। फिल्म के निर्माता दीपक कुमार और राहुल बोरा जी हैं, जो बहुत ही मेहनत से इस फिल्म का निर्माण किए हैं। फिल्म की पूरी शूटिंग लखनऊ में हुई थी, आप लोग मालूम है। उस टाइम पे मैं खुद लखनऊ मौजूद था जब शूटिंग चल रही थी। तो इस फिल्म में आप लोगों को खेसारी लाल यादव के एक अलग दबंग रूप नज़र आएगा, जिसमें इंस्पेक्टर के किरदार में वो जो देख चुके हैं आप लोग, काफ़ी फ़ोटो उनका वायरल हुआ था, बाइक पे चलाते हुए चश्मा लगाए हुए डंडा घुमा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से आप जो सोचते हैं कि एक होना चाहिए खेसारी लाल यादव के अंदर, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों का भरपूर आप मनोरंजन इस फिल्म से ले सकते हैं। फिल्म में संजय पांडे जी ने जितना अच्छा अभिनय किया है बहुत ही तारीफ के काबिल है। फिल्म में समर चतुर्वेदी जी,
वाह, उन्होंने तो बहुत अच्छा नेता का पॉलिटिशियन का रोल निभाया है। मतलब कि संजय पांडे और समर्थ चतुर्वेदी जी का इस फिल्म में एक अलग ही गेटअप है, आप लोग देख सकते हैं। विनीत जी भी इस फिल्म में एक अलग विलेन के रूप में है। साथ में कई ऐसे सह कलाकार हैं जिन्होंने अपने कॉमेडी से दर्शकों को लोटपोट कर चुके हैं और फिल्म में एक अलग तरह की कॉमेडी नज़र आएगी, सुभाष जी का और सीपी भट्ट जी का। फिल्म में गाने आप लोग देख चुके हैं कि करोड़ों पार कर चुके हैं, ट्रेलर इसके करोड़ लोगों ने देख चुका है। अभी जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, इस फिल्म को बिहार के वितरक प्रवीण जी इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं 30 नवंबर को। फिल्म पूरी तरह कमर्शियल है, एक्शन प्रधान फिल्म है, रोमांस भी है, गाने एक से एक हैं। आप लोग गाने का भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, जिसका गाना के बनाया है हमारे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा जी ने, जिसके गाने को लिखा है आज़ाद सिंह ने, प्यारे लाल यादव जी ने और श्याम देहाती ने। कई गाने ऐसे हैं जो आप लोगों को मतलब बार बार सुनने पर मजबूर करता है इसे गाने, जैसे कि काजल लखवानी के ऊपर एक नवरत्न तेल के ऊपर गाना आया था, जिसका कि वीडियो कुछ सेकंड के आप लोग देख चुके होंगे यूट्यूब चैनल पे, और गाने हमारे जल्दी रिलीज़ होंगे यूट्यूब चैनल पर, देखिएगा। तो आप लोगों से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि फिल्म को ज़रूर जाके देखें, यूट्यूब चैनल पर जब रिलीज होती है उसका इंतजार नहीं करें। आप लोग फिल्में देखेंगे तो हमारे नए निर्माता निर्देशक को इससे बेनिफिट होगा, तो और अच्छी फिल्में बना सकते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब फिल्में देखेंगे और सिनेमा घरों में जाकर नहीं देखेंगे तो बहुत ही निर्माता को नुकसान होता है, जिसके चलते फिल्में अच्छी नहीं बन पाती है। जिस तरह से हमारे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इस सारी सिनेमा को देख करके भोजपुरी को आगे बढ़ाएँ। भोजपुरी में जो लोग बोलते हैं अश्लीलता अश्लीलता, भोजपुरी में अब अश्लीलता लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब अश्लीलता वो लोग फैला रहे हैं जो कि नए सिंगर आते हैं, जो हमारे एक बड़े सुपरस्टार के गाने को कॉपी करके कुछ भी गा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुपरस्टार जितने भी फिल्में आए आप लोग जरूर देखें, वैसे फिल्मों को आप नकारें जो फिल्में गंदी बनती है, और उसका विरोध भी करिए। हमारे कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भोजपुरी को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं कि कोई भी गलत गाना गाएगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, रांची हो, दिल्ली हो, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, सब जगह से हमारे कई ऐसे सदस्य जुड़े हुए हैं जो समय समय पर मुझे अवगत करा देते हैं कि कई ऐसे सिंगर हैं जो गलत गलत गाने देते हैं। आप लोग उसके ऊपर एक्शन आप लोग लीजिए और कंप्लेन करिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, या अपने सरकार को सौंपिए ज्ञापन कि ये गलत हो रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। रही बात दबंग सरकार की, तो दबंग सरकार एक बार जरूर आप लोग देखिएगा। हम उसके लिए आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिल्म के निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत धन्यवाद जैसे फिल्म बनाने के लिए, थैंक यू। मैं हमारी जो हीरोइन है आकांक्षा अवस्थी और खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार इस फिल्म में नज़र आई हैं, जो बेहतरीन डांस किए हैं, लखनऊ के हर गली हर पार्क हर स्टेशन पर नाचती हुई नज़र आई हैं, सिनेमा के अंदर सिनेमा के बाहर। तो आप लोग लुक ले सकते हैं। उनका गाना कैसा लगा आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा फेसबुक माध्यम से, यूट्यूब माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से। आकांक्षा अवस्थी का गाना बेजोड़ के हैं, आप लोग उनके गाने हमेशा सुनिएगा। उनकी और भी कई फिल्में आने वाली है कई हीरो के साथ में, लेकिन खेसारी लाल जी के साथ पहली बार इस दबंग सरकार से इंट्रोड्यूस हुई हैं, और मैं खास करके वो पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत अच्छा अभिनय भी किए हैं। तो आकांक्षा जी और खेसारी जी को फिल्म के लिए बहुत धन्यवाद इसे सिनेमा बनाने के लिए। थैंक यू संजय भूषण पटिया की तरफ से। फिल्माया जा रहा है।
तो किस तरह की फिल्म की पृष्ठभूमि क्या इस फिल्म की, क्या कहानी होगी, क्या दिखाने की कोशिश करेंगे इस फिल्म में? देखिए ये विमेन ओरिएंटेड, ये विमेन ओरिएंटेड फिल्म है और पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, मतलब ये फिल्म बनेगी, वैसे है ये फिल्म भोजपुरी में, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट लिया गया है कि दूसरे स्टेट्स में भी और सब जगह के लोग लड़कियां देखने को बाध्य होंगी, क्योंकि उनको इसमें इनकरेज किया जा रहा है, उनकी शक्ति को, उनका सशक्तिकरण को इसमें ज़्यादा चित्रित किया जा रहा है। और फिल्म जो है सो एक पर्पसफुल फिल्म है, ऑफ कोर्स की इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, सब कुछ है, सारे मसाले जो होते हैं वो सब हैं, लेकिन एक साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। तो क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस तरह की फिल्म आप बना रहे हैं तो, एक रिस्क भी होता है क्योंकि लोगों को फिर मनोरंजन का रहता है मानसिकता कि जा रहे हैं फिल्म देखने तो मनोरंजन होना चाहिए, तो हाँ ऐसा है, लेकिन मैं शुरू से रिस्क उठाता रहा हूँ। मैंने पहले भी, पहली भोजपुरी का बनाया था वो गंगा मिले सागर से, तो वो भी बड़ी साफ सुथरी फिल्म थी, लोग डरा रहे थे कि पता नहीं ऐसे माहौल में चलेगी कि नहीं, लेकिन उस फिल्म को 7-8 अवार्ड मिले और बल्कि भोजपुरी का पहला अवार्ड उसी को मिला। और उन दिनों जबकि गाना चल रहा था कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके कंपैरिजन में हमारे फिल्म का गाना था कि जे हमनी के घर बा मिलल, घर से मिलल संस्कार बा, वो गुम गईल तो सब कुछ बेकार बा, इस तरह के गाने थे। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म सारे लोगों ने पसंद किया और दर्शक भी बहुत खुश हुए वो फिल्म देख के, मुझे काफ़ी तारीफ भी मिली कि आप साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं और अच्छी फिल्म बनाते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई रिस्क है। फिल्म जब अच्छी रहेगी तो, फिल्म दो ही तरह की होती है, अच्छी या बुरी, तो जब अच्छी होगी तो नेचुरली सबको पसंद आएगी। तो ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह की सोच आप रखते हैं, इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो किस कैसे देखते हैं लोगों का क्या सोच है इस चीज़ को लेकर, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर देखिए लोगों का सोच तो है, दर्शक एक्चुअली हमारे अच्छी फिल्में ही चाहते हैं, लेकिन ये फिल्म वाले हम लोग ही थोप देते हैं उनको गंदी फिल्में दिखा के ये करके, तो उसमें ऑफकोर्स की गंदी फिल्मों में कुछ निम्न स्तरीय लोग भी जुड़ जाते हैं, वो पसंद करने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भोजपुरी दर्शक जो है, जो महिलाएं, जो परिवार और जो भोजपुरी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका डिमांड यही है कि साफ सुथरी फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो और सब्जेक्ट डिफरेंट हो, ऐसा नहीं कि वही ठाकुर है और ठाकुर की एक बेटी है और उसको कोई किडनैप कर रहा है, तो ये सबसे अलग थलग कुछ देखना पसंद करते हैं। और मेरी फिल्में जब लगभग ज़्यादा अप्रिशिएट हुई हैं, इसका कारण यही है कि मैं हटके और मूल कहानी पे फिल्म बनाता हूँ, न कि किसी फिल्म की कॉपी होती है न कुछ ऐसा। ब्रजभूषण जी, सिंगल वन से थिएटर से फिल्में गायब हो रही है, इसके मुख्य कारण क्या रहे? मुख्य कारण सिंगल थिएटर से गायब होने का कई कारण है। पहले तो हम जितने, मतलब ये आपको क्या बोलते हैं, एग्जीबिटर्स हैं, उनसे हमारी शिकायत है कि वो फिल्म की देख रहे, फिल्म से कमाते जरूर हैं लेकिन हॉल पे एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। उनके बाथरूम में जाइए तो काई आती है, उनके हॉल में जाइए तो एक अजीब विषैला सा महक आएगा, मतलब एक अगरबत्ती भी जलाने का खर्च नहीं करते हैं, तो ये सब भी एक कारण रहा है। और ऊपर से मतलब क्या बोलते हैं कि कटे पे और नीम चढ़ा देना, जले पे नीम चढ़ाने वाली बात हो जाती है कि हमारे फिल्म मेकर्स भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी गंदी फिल्में बनाते हैं कि बस वो उसी तरह के लोग देखना पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे लोग कटते जाते हैं। और यही कारण है कि कटते कटते आज स्थिति आ गई है कि लोग यूट्यूब पे चले गए हैं और मोबाइल पे फिल्में देखना पसंद करते हैं, हॉल में नहीं जाते। आप फिल्म का अभी शूटिंग कर रहे हैं, क्या इसके भविष्य होगा? काजल का भविष्य अच्छा है, क्योंकि वैसे पहले भी एक काजल फिल्म बनी थी, वो भी एक साफ सुथरी फिल्म थी, हिंदी फिल्म थी, मीना कुमारी जी और आई थिंक धर्मेंद्र जी थे, और जिसमें गाने थे तोरा मन दर्पण कहलाए, तो उस समय भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि तोरा मन दर्पण कहलाए जैसी फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसे फिल्मों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग की कमी आज भी नहीं है, आज भी ऐसी फिल्में जो साफ सुथरी फिल्म होगी उसको लोग पसंद करेंगे। काजल में काजल यादव को आपने कास्ट किया, आदित्य मोहन को, क्या कुछ फीमेल रोल कहानी है उस तरह कुछ बताएंगे, कॉमेडी आएगी या महिलाओं से ज़्यादा हो रहेगा? ये एक्चुअली लड़की प्रधान फिल्म है और चूँकि अपना आदित्य मोहन एक ऐसा लड़का है जिसको मैंने ही लगभग शुरुआत कराई थी भोजपुरी में सिंगल हीरो के रूप में, तो वो भी एक एक्टर के तौर पे जाना जाता है और उसकी भी पसंद है संजीव कुमार जैसा, जैसे वो किसी भी एज का कैसा भी रोल करें लेकिन रोल में दम होनी चाहिए, तो
वो इस बेसिस पे वो तैयार हो गए इस फिल्म के लिए। और रही बात काजल की सिलेक्शन में, तो काजल का मैंने देखा कि एक बात है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो काजल को जब मैं कहानी सुनाया तो उसके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि ये बहुत डिवोट करके ये फिल्म कर पाएगी, और बस मैं वहीं हाँ कह दिया कि शी विल बी द बेस्ट। फिल्म का निर्माता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म के निर्माता आदिल साहब हैं, आदिल अहमद साहब, और बहुत सुलझे हुए हैं, जबकि वो पहली फिल्म बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मैंने देखा कि काफ़ी सूझबूझ के साथ फिल्म को जैसा कहिए वो उन चीज़ों का मतलब मुआयना कराते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए वो सब दिलवाए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा रहा तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि जब तक निर्माता भी बहुत अच्छा नहीं होगा, फिल्म कोई डायरेक्टर भी अकेले बहुत अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास रिक्वायरमेंट नहीं मिलेंगे तो क्या कर पाएगा। तो इसमें आदिल अहमद साहब से उम्मीद है, और जो अभी तक लग रहा है कि संगीत कैसा और किसने दिया है? गीत संगीत में कई गीतकार लोग हैं इसमें, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर एस कुमार जी ने भी लिखा है कुछ गाने, कुछ और भी कुछ लोगों ने लिखा है, रंजू सिन्हा ने लिखी है, जो डॉक्टर रंजू सिन्हा काफ़ी क्वालिफाइड लेडी हैं, उन्होंने भी लिखी है। बड़ा पर्पसफुल गाना है, फिल्म का सबसे हाईलाइट है, वो क्लाइमैक्स में आता है, एंड में आता है। और म्यूजिक तो सुपर्ब, मतलब एस कुमार खुद स्वीकार करते हैं कि उनके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से ये होगी। प्रदूषण जी नमस्ते। नमस्ते। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा, भोजपुरी सिनेमा अश्लील जो लोग बोलते हैं, क्या अच्छी सिनेमा बनती है? क्या अभी वो थिएटर में जाकर फिल्में देखते हैं कि सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं असली सिनेमा है? देखिए, दरअसल ये हो गया है कि आजकल एक फैशन बन गया है, और हमारे गाँव में कहावत है हिसके हिसकी गैया ब्याह वाली बात है। तो अश्लीलता के खिलाफ जो है वैसे वैसे लोग भी आ गए हैं जो खुद अश्लील फिल्में बनाते हैं और अश्लील फिल्में देखना पसंद करते हैं, और वो बस सिर्फ फेसबुक पे ही लिख के अपने आप को ये जिम्मेवारी ख़त्म करना चाहते हैं कि हम अश्लील फिल्म के खिलाफ हैं। लेकिन दरअसल ऐसे खिलाफ करने से नहीं होगा, जो अश्लील फिल्म है, जो साफ़ सुथरी फिल्म है, उसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, उसको भी लोगों को देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग देखना चाहते भी हैं, लेकिन फिर इसमें बहुत सारी बाधा आ जाती है, जब अच्छे कलाकारों को लेके, जो जेन्युइनली डिवोटेड हैं कलाकार, उनको लेके फिल्म बनती है, तो वितरक मुंह बिचकाने लगते हैं कि उन्हें बस वो तीन ही नाम चाहिए, वो दो ही नाम चाहिए, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब को पार करना पड़ेगा, यह भी एक स्ट्रगल का फेज होता है, और भोजपुरी इन दिनों स्ट्रगल कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छे कलाकार नए नए आएंगे और अच्छी फिल्में बनेंगी, और दर्शक भी फिर से वापस होंगे सिनेमा की तरफ, हों या भले YouTube की तरफ हों। आफ्टरऑल बिजनेस तो बिजनेस है, YouTube से भी बिजनेस अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आजकल देखिएगा कि थिएटर से, सिंगल थिएटर से मार्केटिंग थोड़ी कम हो गई है, तो ऑडियो वीडियो सेटेलाइट के प्राइस बढ़ गए हैं, तो ये बैलेंसमेंट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि साफ सुथरी फिल्मों को लोग अप्रिशिएट करेंगे। हमारे भोजपुरी में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भोजपुरी को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहती है, क्या वो सही मुद्दा उठाती है? देखिए, वो मुद्दा उठा के सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने की बात है उन लोगों को, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जेन्युइनली इसमें लगा है। और जो जेन्युइनली लगना चाहिए वो तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सारे लोगों को लगना चाहिए। ये किसी संस्था पे लगने से क्या होगा, वो तो वही हो जाएगा कि न कारखाने में तूती की आवाज़। क्योंकि जब हम नहीं चाहेंगे, हम मेकर नहीं इस पर ध्यान देंगे, तो कोई संस्था इसको सुधार सकती है ऐसे नहीं। प्रदूषण, जब भी खेसारी, दिनेश या पवन जी की फिल्में रिलीज होती है तो असामाजिक तत्व फेसबुक पे कुछ उल्टा पुल्टा लिखना शुरू करता है, लेकिन जब छोटे हीरो हीरोइन की फिल्में रिलीज होती है तो उसके ना पोजीशन में लिखते हैं ना अपोजिशन में लिखते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? वो देखिए, एक जलन है उन लोगों को। दरअसल हमारे तीन स्टार जो हैं, जो ऊपर नाम आया है उनका, वो भी कोई एक दिन में तो नहीं हुआ है, कोई हनुमान कूद की तरह ऐसा कोई जंप तो नहीं कर गए हैं, वो भी मेहनत करके लगे हैं, सबों ने काम सीखा है। आज निरहुआ को ही लीजिए, तो वो साउथ की बहुत सारी फिल्म करके, साउथ के कई बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करके उन्होंने तकनीकी को जाना है, और दे एक्ट टेक्निकली बहुत अच्छा काम करते हैं वो। लेकिन क्या है कि ये जलन है, अब कम समय में, कम पीरियड में कोई तरक्की कर जाए और उससे कोई जलने लगे तो ये तो बेकार की बात है। खेसारी जी हैं, सब हैं,
ऑफकोर्स उनका इतिहास लेके लोग दोहराते हैं कि वो ऐसा था, तो कोई छक्के की तरह लगता है तो कोई ऐसा लगता है, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। ये लोग जहाँ हैं वो रहेंगे, और इनको कोई ऐसे हटा देना चाहेगा धक्के दे के ना तो ये आए हैं और ना धक्के दे के हटाए जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्हें भी कुछ राह देनी चाहिए, ये देते भी ऐसा नहीं है, इनकरेज किया है इन लोगों ने कई नए कलाकारों। अश्लीलता को लेकर काफ़ी स्टारों के शो में हंगामा किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है, इस पर भी क्या राय है? वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जोर ज़बरदस्ती से ये चीज़ें नहीं हो सकती है। अश्लीलता के खिलाफ हैं तो आप अश्लील फिल्मों को कम देखिए। दर्शकों को यही कहेंगे कि अश्लील फिल्में मत देखिए, उसको डिबार कीजिए, और आप अश्लील फिल्में जो साफ सुथरी फिल्में उनको देखिए। लेकिन कहीं से मैं ये नहीं उचित समझता हूँ कि अगर कोई अश्लील फिल्म किया है और इसके लिए उस एक्टर को आप खदेड़ डालिए या उस पर पत्थर चला डालिए या मार पिए पीटिए, तो दिस इज नॉट द फेयर, क्योंकि वो अकेले तो एक्टिंग करता आप नहीं। एक महिला प्रधान फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है काजल, तो काजल तो कहीं से अश्लील फिल्म नहीं है, लेकिन जो लोग लिखते हैं कि आपके बारे में कुछ लाइनें, उन्होंने लिखा है कि आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, उल्टा मजाक में हमारा नाम वेजिटेरियन डायरेक्टर में रख दिया है। हमारा नाम उल्टा मजाक में उन लोगों ने वेजिटेरियन डायरेक्टर रखा है। भाई, वेजिटेरियन होना क्या बुरा है? आप नॉन वेज वाले कितने दिन नॉन वेज खाओगे? बीच बीच में तो आपको सब्जी चाहिए ही। तो मैं तो वही सब्जी बनाता हूँ, और मुझे तो बीच का भी मार्केट मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो मैं तो कभी उससे हिचका नहीं हूँ, और कभी भी पीछे नहीं मुड़ा हूँ, और ना ही इस बात से घबराया हूँ कि कोई मुझे वेजिटेरियन कहता है। हालांकि मैंने एक नॉन वेज फिल्म बना डाली, नॉन वेज के खिलाफ बनाई, बल्कि फुहर सिनेमा, अब इससे ज़्यादा गंदा टाइटल तो कोई होगा ही नहीं, मैंने बनाई फुहर सिनेमा। लेकिन अब फुहर सिनेमा में देखिए कि मैं फुहरता के खिलाफ फिल्म बनाया हूँ। मैंने वैसे निर्माताओं को और निर्देशक ने शूट कर दिया है, एकदम स्टेज पे भरे भीड़ में शूट कर दिया है। तो कहने का मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, अब लोगों का कहना है तो जितनी मुँह उतनी बातें। दिनेश कसारी फोन में से कुछ कुछ कहना चाहते हैं? इन तीनों को कहेंगे कि वो घबराएं नहीं इन स्थिति से, निरहुआ हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी हो, ये तीनों को घबराना नहीं चाहिए। जब आदमी आगे चलता है तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट करते हैं, है ना, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी इनकरेज नहीं करूँगा कि अगर कुछ गलतियाँ आपने की है तो उसमें सुधार लाइए, सुधार लीजिए उसको, उसमें सुधार लाने के लिए ज़रूर कहूँगा। और उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, चूँकि दे आर आइडियल, हमारे दर्शकों के आइडियल हैं, तो वो जैसा करेंगे उसी का नकल वो लोग करते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि कुछ चीज़ों को बरतें और उन चीज़ों को ना दिखाएँ ना करें। धन्यवाद सर। मैं इस फिल्म में एक बाप का किरदार निभा रहा हूँ, मेरी बेटी है काजल, जो टाइटल रोल इस फिल्म का कर रही है। मेरा एक बड़ा ही पॉजिटिव सा रोल है। जिंदगी भर ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स आदमी है, ये बाप जो है अपनी बेटी को हमेशा एक अच्छी शिक्षा देता है, कैसी शिक्षा पे चलना चाहिए, पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो उसने भी पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं, और नहीं चाहता कि यूँ ही बर्बाद कर दिए, जो कि आजकल के बच्चों का होता है, करते हैं। और उसी उदयपुर में बच्ची जो है अपना किसी गलत चक्कर में पड़ जाती है, और जिससे उसको बाप निकालने के लिए बहुत बार कोशिश करता करता कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। लेकिन अब आज के हालात जो हैं लोगों के, जिस तरह से उनके साथ बिहेव होता है, आज के कॉलेज में जिस तरह से बदनाम कर दिया जाता है लड़कियों को, और इसी तरह से कुछ लड़कों के चक्कर में ट्रैप हो जाती है, और वो ट्रैप होती है उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हो नहीं पाती है, उसको और ट्रैप करता है, और अंत में जब वो देखती है कि मेरे सीधे मन से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो शी टर्न्स हरसेल्फ। बराबर जिन जिन लोगों ने उसके साथ जो जिस तरह के बिहेव किया था उसे भरपूर बदला देती है, और अंत में यहाँ तक कि शी किल्स दैट मैन एक्सप्लॉइटेड। तो कहानी तो बहुत अच्छी है, मेरा रोल भी बहुत अच्छा है, लड़की का रोल बहुत अच्छा है काजल का, जो टाइटल रोल कर रही है काजल। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। रियल लाइफ में कितने से फादर हैं आपके बेटे बेटी? तो बहुत से हैं, लेकिन
अपने कोई घर में कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन ये सर ये नहीं है कि औलाद नहीं है तो मुझे औलाद की फीलिंग नहीं है, ये मैं औलाद के जज्बात को नहीं पहचानता। ऐसे तो बहुतों को बोल दिया हुआ है, आप भी हैं। जी इस फिल्म में काजल की माता जी है माया जी, माया यादव जी, बहुत अच्छा अभिनय करती है। और इत्तेफाक देखिए कि काजल की माता जी ही काजल की माँ का अभिनय कर रही है, तो एक अच्छा संजोग है उन लोगों के बीच में। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनेगी माँ बेटी के बीच में। फिल्म में जो इसका निर्माण कर रहे हैं और कुछ राजा आदमी है, आदिल भाई से पहली मुलाकात हुई है, मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा मैं बहुत सी पिक्चर की हूँ, बड़े तरह तरह के अड़े ठेड़े लोग, अच्छे लोग। आदिल जी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है आपकी नज़र में? एक भोजपुरी की और हिंदी की मत बात कीजिए एक सिनेमा बनाने की। मैं हमेशा बात करता हूँ अच्छा सिनेमा बनाने की, आप किसी भाषा में बना रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो आदमी उनका नाम है आदिल, वो उनकी सोच बहुत साफ है और उनका अप्रोच बिल्कुल सही है, जो सोचते हैं वो करते हैं और उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, मगर मैं एक अच्छी चीज़ बनाऊँगा। उम्मीद है कि उनके प्रयास से और उनके सपोर्ट से जॉब था वो अपने काम पे लग गए, कैमरा भी बराबर लगा हुआ था, लाइट वाला भी लगा हुआ था, मेकअप वाला भी आगे लगा रहा था, खाना खिलाने वाला भी खाना लगा रहा था, असिस्टेंट भी अपना जॉब कर रहे थे। तो आई होप ये सब एक टीम वर्क है, हम सब टीम वर्क की तरह काम करते हैं, मिलजुल के एक अच्छा काम हुआ है, आपने देखा होगा शायद। देखिए उथल पुथल कहाँ नहीं चलता है, कभी आपसे कभी डाउन से सिनेमा में उतर आता है, लेकिन मेरी हमेशा से एक गुजारिश है, प्रार्थना है उन लोगों से, एक अच्छा सिनेमा क्यों नहीं बनाते हैं, एक अच्छा सिनेमा बने, साफ सुथरा सिनेमा, ऑफकोर्स अच्छे कमर्शियल एंगल डालिए उसमें, उसमें गाने डालिए अच्छे मिलेंगे, अच्छी फिल्म बना के देखिए ना, ज़्यादा पैसा कमाने के बनस्पत की वो, मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, दो नंबर टाइप की जो फिल्म होती है उसका कोई काम नाम नहीं होता, तो अच्छी फिल्म। दर्शक आपके ऊपर आरोप लगाते हैं हमेशा असली फिल्म में ही आता। देखिए मैं क्या करूँ, मैं एक मजबूर कलाकार हूँ, मुझे घसीट करके लोग मारे जाते हैं और मैं चिल्लाता रहता हूँ, मेरा कोई नहीं सुनता है, मैं भी अपना दाल रोटी के चक्कर में करके चलाता हूँ, मगर दिल से पूछिएगा तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं मुझे संतुष्ट नहीं होता। आपने मौज किया, हाँ देखिए मैंने जितने हीरो आए अभी तक सुजीत कुमार से लेकर के आइए आदित्य मोहन तक, सबके साथ सीनियर लोग थे, मैं सुजीत कुमार तक की बात, सुजीत कुमार तक के लोग बहुत सीनियर लोग थे, राकेश पांडे हम भी कुणाल जी जो तक करते थे, बहुत ही अच्छा सीनियर काम किया। जो नई फसल आई है उसमें उन लोगों का भी कोई दोष नहीं है, देखिए ये अश्लील फिल्म तो बनती ही नहीं, ये जो जितने गाना बनाने वाले हैं ना, ये ऑडियो वाले, इन लोगों ने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसे अश्लील गाने डलवाए और जिस तरह से वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं वो अपना पैसा कमा लेते हैं, और नाम कौन हो जाता है भोजपुरी फिल्म करने वाला, मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे कोई शिकायत उन लोगों से नहीं, बट इन चीज़ों को बंद कीजिए, अच्छा सिनेमा बनेगा। वो लोग बहुत ही महान कलाकार थे और अच्छी सिनेमा को दिया उन लोगों ने, मनोज जी जब तक थे अच्छे सिनेमा को दिया, मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत बुरा सिनेमा दिया, अच्छा सिनेमा का जन्म दिया है। मनोज जी के जाने के बाद एक डेफिनेटली एक गैप आया है, और जिसमें अब दूसरे और नए कलाकार आए हैं वो माफ कीजिएगा, वो देखते हैं कि उनका क्या अच्छा बन रहा है, वो करते नहीं करते, बाकी तो इसको खोजना होता सबको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, संजय भूषण पटियाला। आज मैं हूँ मुंबई के मड आइलैंड में, जहाँ पे भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चली जिसका नाम है काजल। इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं आदिल जी, और आज मैं उनसे आपको मुलाकात कराऊंगा। पहली फिल्म है इनकी और जिसका निर्देशन कर रहे हैं ब्रजभूषण जी। फिल्म में हीरोइन है काजल यादव जी, जिनकी आज शूटिंग चल रही है। मैं कैमरा लेके चलता हूँ हमारे निर्माता आदिल अहमद जी के पास। सर कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ।
इस क्लास में आप बताएं। चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है बताएं। क्या कुछ चल रहा है बताएंगे? शूटिंग चल रही है, आपने तो देखा ही है अभी। आज ये पहली फिल्म है आप भोजपुरी के दीवाने जी? जी हाँ, पहली फिल्म है हमारी। कैसा लगा है लोगों के साथ में? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टीम जो हमारी है वो बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। फिल्म का जो आप काफ़ी फिल्म लाइन से पहले जुड़े हुए हैं, पहली बार भोजपुरी सिनेमा के बाद हिंदी या हॉलीवुड की फिल्म बना सकते हैं, क्या सलाह एक भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं? आपको मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी बताया था कि यूपी का तो जो यूपी बिहार से ताल्लुक है तो इसके लिए जो है भोजपुरी बना रहा हूँ। फिल्म में हीरोइन काजल यादव जी हैं, हमारे आदित्य मोहन जी, कुछ कहना चाहेंगे कैसे काम चल रहा है? नहीं ठीक चल रहा, अच्छा है, कुछ नहीं कहना है उनके बारे में। भोजपुरी के बारे में क्या सोचे, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बारे में? क्या मैं आपको बताऊँ, अच्छी फिल्म बना रहा हूँ और आप लोग दुआ करें कि ये फिल्म अच्छी बन जाए। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म लेकर? मैं इन लोगों को संदेश यही देना चाहूँ कि ये फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, सारे लोग मेरा सपोर्ट करें। कब तक दर्शक इस फिल्म को देख सकते हैं थिएटर में? मैं समझता हूँ कि ये फिल्म अप्रैल में देख सकते हैं। और फिल्म के निर्देशक बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा, भूषण साहब एक अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारी उन्होंने फिल्में बना रखी हैं तो अच्छी है। ऐसे मार्केट जो सिनेमा का जो चल रहा है उसको कभी आपने सोचा है कि हमारी सिनेमा कहाँ तक जाएगी, लोग देख पाएंगे भोजपुरी में? दर्शक मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं और हर जगह रिलीज करेंगे, हर जगह लोगों को दिखाएंगे। किस तरह की कहानी है हमारे जो शूटिंग करेंगे? कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांस है या कुछ और है? आपको तो मालूम है कि ये फिल्म कैसी बन रही है, आपको जानकारी जो है ये एक्चुअली जो कहानी इसकी है वो आज की जो लड़की हैं, जो लड़कियां हैं उनके ऊपर है ये, मतलब जो शोषण होता है या फिर? जी जी उसी पे है, जो लड़की और महिलाओं को जो शोषण जो होता है उनके ऊपर जो ज्यादतियां होती हैं उन्हीं के ऊपर है ये, उन्हीं के ऊपर है। और सिनेमा में कौन कौन है जरा लोग बताएंगे? अच्छा फिल्म में जो हीरोइन के माँ का रोल कर रही माया दो जी, माया तो शूट चल रहा था, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? नहीं अच्छा ठीक है, जो भी शॉट हुआ अच्छा हुआ है। कैसे गाने लगे? गाने सारे रिकॉर्ड हो गए आपको? गाने तो बहुत अच्छे हैं और जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग खुद तारीफ करेंगे कि गाना कितना अच्छा है। थैंक यू सर। ओके हाँ जी भाई, जानना चाहता हूँ फिल्म के बारे में कि फिल्म का नाम काजल है, आपकी बेटी का भी एक सेकंड है इसको कट रोज। नमस्कार, मैं हूँ माया यादव और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? जानना चाहूँगा फिल्म के बारे में कि किस तरह का पृष्ठभूमि, क्या कहानी है इस फिल्म में और आपकी बेटी पुलिस फिल्म में लीड एक्ट्रेस है, उनका नाम है काजल, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? हाँ, इस फिल्म का नाम है काजल और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ब्रिज भूषण जी हैं और प्रोड्यूसर हैं आदि जी। तो सबसे पहले तो मैं आदि जी और ब्रिज भूषण जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी काजल को इस रोल के लिए लिया है। और इस फिल्म में मैं काजल की ही माँ बनी हूँ, तो जैसे कि हर फिल्मों में मैं हीरो की मदर बनती हूँ तो इसमें काजल की माँ बनी हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है जब अपनी बेटी के साथ ही एक्टिंग करने का मुझे मौका मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ मैं उसको बताती हूँ, कुछ वो मुझे बताती है तो बहुत ही अच्छा, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं इस फिल्म को करते हुए। तो मैम जैसे मुझे मालूम है इस फिल्म को लेकर कि इस फिल्म की जो कहानी है वो जो औरत से जुड़ी समस्या होती है वुमेन एम्पावरमेंट का जो विषय है उसको लेकर है, तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा ये उत्साहपूर्ण बात है क्योंकि काफ़ी विषय अलग है और कुछ एक नेक मकसद से ये फिल्म बनाई जा रही है? बहुत, इस फिल्म की जो कहानी है वो एक लड़की के ऊपर ही है और उस
लड़की को, मतलब मैं इसकी कहानी पूरी नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग सुन लेंगे इसकी स्टोरी तो फिर आप थिएटर तक नहीं जा पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप लोग थिएटर तक ही जा करके देखें तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि इस फिल्म के जो गाने हैं इतने खूबसूरत गाने हैं, और इसमें एक गाना है कि लड़की को मतलब अबला मत समझ, और फिर उसका ये रूप है, ये रूप है, ये रूप है, मतलब इतनी खूबसूरत, मतलब इस फिल्म को इतनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है, जिसे इसके जो हमारे प्रोड्यूसर हैं आदिल जी, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं इस फिल्म को। जैसे अभी शूट हम लोग का चल रहा है, उसके एक महीना पहले से ही वो हर एक चीज़ में इतना इन्वॉल्वमेंट है उनका कि एक एक कॉस्ट्यूम, एक एक ज्वेलरी, एक एक चीज़ को वो लेकर के इतना उत्साहित है और खुद देख रहे हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो इतने बड़े बिजनेसमैन होने के नाते इतना इन्वॉल्वमेंट होना एक फिल्म के लिए मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो बस दिल से दुआ करूँगी कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो कि आदिल जी को इतना अच्छा लगे, और वो हमारे नए प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी में आए हुए हैं, तो कि इतनी बड़ी हीट हो कि वो लगातार मूवी बनाते जाए और उनका जो पैसा लगा है वो भी आ जाए और भी दो पैसा उनको मिले, तो बहुत खुशी होगी हम लोग। तो इस फिल्म में भी मतलब असल जिंदगी माँ बनी, इस फिल्म में बहुत बारी माँ का तो कितना आसान है कितना मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी सारे जज्बाती सीन्स वगैरह भी होते हैं फिल्मों में, तो वो उसके हाँ वैसे तो हम लोग बहुत नेचुरल रहते हैं माँ बेटी, लेकिन एक्टिंग करने के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं काजल के साथ कुछ पता नहीं क्या थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ अलग सा ऐसा लग रहा है। अभी जैसे एक सीन हो रहा था तो काजल आके पकड़ के रो रही है ऐसा गले वाले, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। हम लोग कट टू कट बेटा ये काम हो गया, हाँ ये हो गया ऐसे, लेकिन कुछ कुछ तो अलग लग रहा है अपनी बेटी के साथ करने में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और मुझे एक एक चीज़ बताने में उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि काजल मेरे सामने एक्टिंग करती रहे और मैं देखती रहूँ कि काजल क्या अच्छा कर रही है, क्या ख़राब कर रही है। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये होती है कि मैं थिएटर में जब जाकर उसकी फिल्मों को देखती हूँ, तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि एक माँ मतलब इतने खुश होती है कि अब मेरी बेटी वाओ, तो अलग ही बात है। बहुत सारी ऐसी है, मतलब हिंदी फिल्मों की बात करें तो माँ भी अभिनेत्री हैं, बेटी भी अभिनेत्री हैं, जैसे मान ली हेमा मालिनी की बात कर रही हैं, शादी वर्ष या तनुजा काजल, आप किस मुकाम पे देखना चाहती हैं अपनी बेटी को, मतलब अगर मुकाम की बात करें किसी से तुलना करती हैं आप अपनी बेटी की? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरी बेटी काम अच्छा कर रही है, लेकिन हाँ हर माँ बाप का तो यही ख्वाहिश होता कि मेरा बच्चा जो भी है एकदम नंबर वन पे आए और अच्छा काम करे। तो मुझे खुशी है कि काजल बहुत अच्छा काम करी, और काजल को जो रोल मिल रहा है मतलब इतना अच्छा, जैसे कि एक तो होता है कि चलो ठीक है फिल्म में एक हीरोइन है तो हीरोइन का ही है, चलो ठीक है गाना गा लिया हीरो गा लिया, लेकिन काजल को जो फिल्में मिल रही हैं वो काजल के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। जैसे अभी लाइन्स उसने 4-5 फिल्में साइन की है, तो वो काजल का मतलब बहुत ही बड़ा उसमें रोल होता है। और ये काजल फिल्म को ही ले लीजिए तो काजल में ही है, तो काजल का बहुत ही अच्छा इसमें रोल है, मतलब अलग अलग किरदार में इसमें दिखेगी। काजल चुलबुली है, काजल थोड़ी सी फिर बड़ी होती है, फिर वो कैसे मेच्योर होके किस तरह से बता लेती है उसको जिसने चीट किया है। अभी जो एक चला हुआ है कि लड़के लोग चीट कर लेते हैं, तो मी टू का कुछ मामला चला हुआ है, तो हल्का सा वो सब ले दे करके बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनेगी। आखिर मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा फिल्मों भोजपुरी फिल्म में काम कर ही रही हैं, हर किसी सपना होता है बॉलीवुड से जुड़ा हुआ कि हिंदी फिल्म में काम करना, एक बड़ा फिल्म में काम करना, आप बताइए कि क्या सपना है उसको? देखिए सबसे फर्स्ट तो मैं ये बताऊँगी कि मेरी बेटी काजल जो फर्स्ट मूवी की थी वो साउथ की मूवी थी, तेलुगु फिल्म थी, उसके बाद लगातार काजल ने 4 हिंदी फिल्में की, और उसके बाद फिर एक भोजपुरी फिल्म की थी सपूत खेसारी लाल जी के साथ, उसके बाद उसने 2 साल काम नहीं किया। फिर उसके बाद मैं जो अपनी मूवी बनाई मोहब्बत, तो मोहब्बत के लिए मुझे एक न्यू फेस की ज़रूरत थी कि मैं एक न्यू फेस देखूं, तो मेरी इंडस्ट्री में काफ़ी लड़कियां हैं मेरी अपनी बच्ची जैसी हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा इसको ले लेते इसको, लेकिन उतना जम नहीं पाया मामला कि मुझे भोली भाली मासूम लड़की चाहिए थी, जैसे कि गूंगी का रोल है मोहब्बत में लड़की, तो फिर मैं काजल को ही सोची कि काजल से बोली काजल कर लेना मेरी फिल्म, तो फिर काजल आई मेरी फिल्म मोहब्बत से, और फिर अभी लगातार रुक कर रही। तो जो आप बोल रही हैं कि दूसरी भाषा की, तो काजल कर रही है क्योंकि काजल का तो लॉन्चिंग ही मतलब तेलुगु फिल्म से हुआ है, तो ऐसा
ऐसा नहीं है, कुछ भोजपुरी भी अच्छी फिल्में बन रही है, जहाँ भी करें अच्छे से करें, इज्जत से काम करें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जी ये फिल्म मेरी वाकई में बहुत खास है और कोई भी हीरोइन के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है जब उसके नाम से फिल्म बनाई जाए और पूरी जिम्मेदारी एक हीरोइन के ऊपर होती है और क्योंकि टाइटल ही है काजल और मेरा नाम भी है काजल, तो बहुत प्रेशराइज फील कर रही हूँ फिलहाल क्योंकि बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर और बहुत वर्कआउट की हूँ मैंने इस कैरेक्टर को लेकर के, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा एक शेड नहीं है, ये अपने लाइफ में मतलब जो फिल्म में उसका जो जर्नी दिखाया जाएगा वो कैसे कॉलेज से लेकर के कैसे कैसे बढ़ती है और मैच्योर होती है और ज़िंदगी जीने के तरीके सीखती है और बहुत सी चीज़ें जो हम रियल लाइफ में भी हम सीखना चाहते हैं, तो वो हम इस फिल्म के थ्रू बताया गया है, जो हमारी जो जनरेशन है उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी और बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो जैसा कि फिल्म की कहानी की बात करें तो औरत के सशक्तिकरण की बात की जा रही है इसमें, जो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं औरत अपने को थोड़ा कमज़ोर समझती है, उन्हें तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़्यादा ये एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि जो एंटरटेनमेंट फिल्म जो होता है एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेट करना भी जरूरी होता है, उसके बारे में क्या कहना जी। एक्चुअली देखा गया है कि अभी की जो जनरेशन आ रही है वो जो वुमेन्स होती है, जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने को कमज़ोर नहीं समझती हैं, वो तो लड़कों के मुकाबले लड़ जाती हैं। बट जैसे 90s की बात की जाए या उसके पीछे देखा जाए तो वहाँ पे उस वक्त काफ़ी फ़र्क रहा है वो जनरेशन और अब में, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देते थे, घर से फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती थी। जैसे क्या होता था कि लड़के इंग्लिश मीडियम में हैं तो लड़कियाँ को हिंदी मीडियम में डालो, भाई क्यों ऐसे पढ़ाया जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी वो हमने बहुत सुना है देखा है। लेकिन टचवुड मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, हम बहुत खुद मतलब अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमें इतने अच्छे मम्मी पापा मिले मुझे और हमें इतना अच्छा एजुकेशन पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं भोजपुरी सिनेमा में काम कर रही हूँ और उनका नाम रोशन कर रही हूँ। और तो हाँ, रही बात उसकी, तो उस वक्त बहुत होता था बट अभी जनरेशन बहुत आगे बढ़ गई, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और आनी बाकी है। जैसे हमारे गांव साइड देखा जाए कि अभी भी वुमेन्स है जो महिला होती है अपने आप को बहुत डिमोटिवेट फील करती हैं, उनको इस दायरे में बांध दिया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, वो करने लायक ही नहीं है, तो बस वो अपना दिमाग से सोचे, अपने दिल की सुने, वो कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है। मतलब अभी आज के वक्त में हर चीज़ें अवेलेबल है, फैसिलिटी आपके घर पर आ सकती है आजकल, तो बस अपना दिल दिमाग तेज़ रखिए और अपने आसपास हो रही चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो अभी मम्मी काफ़ी समय से हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी समय में काम किया, तो ये चीज़ कितना आसान है कितना मुश्किल होता है क्योंकि लोग तुलना करते हैं हर चीज़ को लेकर, तो ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। आसान तो देखिए आसान तो कुछ नहीं होता, हर चीज़ें सीखी जाती हैं, जैसे एक्टिंग हो गया, डांस हो गया, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, तो काफ़ी जब एक सेलिब्रिटी के आप बच्चे होते तो आप पे बहुत प्रेशर होता है। अगर आप न्यू कमर हो, आपका बैकग्राउंड नहीं है फिल्मी, तो ठीक है कौन जानता है, बट आप एक सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आते हो तो बट और सर उनकी बेटी तो ऐसी होगी वैसी होगी, सबको बहुत उम्मीदें होती हैं, तो प्रेशर तो फील होता ही है बट साथ में खुशी भी होती है कि मेरी मम्मा ने इतना स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पर है कि मुझे उनका बेनिफिट मिलता है और मुझे उनके थ्रू लोग इतना प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है, सम्मान देती है, रिस्पेक्ट देती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बस ऐसे ही देते रहिए प्यार। आखिर मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ आती है मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई में, आपकी मम्मी अभिनेत्री हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि मीटू को लेकर कितना ज़्यादा ये हुआ हंगामा हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ है इंडस्ट्री में जो कि काफ़ी निगेटिव है और इसी से कितना ज़्यादा बदलाव आएगा जो देखिए ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, कॉर्पोरेट्स देख लीजिए या बहुत मतलब हर एक फील्ड से ले लीजिए, हर जगह पर मीटू चीज़ें होती हैं। अब हमारी इंडस्ट्री हाईलाइट क्यों होती है, क्योंकि लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों को वो देखना पसंद है, लोग अपने अपने जो 12 घंटे वो जॉब करके जब निकलते हैं तो लोग अपने यूट्यूब पे ये देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है, कौन सी फिल्मों में कौन सा हीरो क्या हुआ, मीटू कहाँ चल रहा है, तो वो चीज़ों पे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए अगर वो अपने लाइफ में भी अपने इर्द गिर्द भी देखें बहुत मीटू चलता है बट वो उसमें फोकस नहीं करते। और रही बात हमारी फील्ड की जो लड़कियों के साथ होता है, वो तो उनके खुद का अपना डिसीजन होते हैं कि उनको किस तरीके
से अपना करियर चुनना है, किस तरीके से काम करना है, और सारे डिसीजंस खुद के होते हैं, ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं करता। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती चीज़ें होती तो मीटू होता ही नहीं, तो वो तो रेप कहलाता। तो बस यही है कि खुद के ऊपर, मतलब आपको खुद का डिसीजंस लेना होता है और सही रास्ता चुनिए तो ज़रूर अच्छा होगा।